हेलो दोस्तों, सुनने से शुरुआत, सुनने ही अंत और सुनने के बिना कुछ नहीं। तो दोस्तों, सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले जो वनपाल, पटवारी, हाई कोर्ट, वन रक्षक, जितने भी राजस्थान में एग्जाम होंगे, उन सभी में आपको हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं या चंबल नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है, उनकी बेसिक ट्रिक। तो ट्रिक के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। तो दोस्तों, चंबल नदी के जो नाम हैं उनके बारे में, चंबल नदी का नाम है चमनवती नदी, इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, इसे नित्यवाही नदी भी कहते हैं और इसको बारहमासी नदी भी कहते हैं, बारह महीने बहती है। तो चंबल नदी का प्रवाह तंत्र के ट्रिक, तो चंबल नदी के प्रवाह की ट्रिक है, चंबल से जाना, क्या बोल रहा है, चंबल से जाना चित्रकूट और पाप सवार कर धो लेना, चंबल से जाना चित्रकूट और पाप सवार कर धो लेना और एक मुराद यमुना से लेना। ये बोल रहा है कि चंबल में जाना चित्रकूट से और पाप सवार कर धो लेना और एक मुराद यमुना से लेना। तो जासे हो जाएगा जनापाव की पहाड़ियाँ, जासे क्या हो जाएगा, जनापाव की पहाड़ियाँ, चंबल से तो चंबल नदी हो जाएगा, जाना से होगा जनापाव की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं से ये नदी निकलती है। फिर राजस्थान में एंट्री कहाँ से करती है, ये चित्तौड़गढ़ से एंट्री करती है, चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कूट से हो जाएगा दोस्तों कोटा, कूट से हो जाएगा कोटा, सवार से हो जाएगा दोस्तों सह से सवाई माधोपुर हो जाएगा, कर से हो जाएगा दोस्तों करौली हो जाएगा, सवार कर धो लेना, धो का मतलब धौलपुर से हो गया, और बाकी छोड़ देना इक से हो जाएगा दोस्तों इटावा, फिर मुराद से मुरादाबाद और फिर अंत में यह है यमुना में मिल जाती है। तो ये यमुना की सहायक नदी हो गई। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, जनापाव की पहाड़ियों से। राजस्थान में एंट्री कहाँ से करती है, चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से, फिर ये कोटा में आती है, फिर सवाईमाधोपुर, फिर करौली से होते हुए धौलपुर से इटावा से मुरादाबाद और इसके बाद यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो है इसकी जो प्रवाह क्षेत्र है उसकी ट्रिक। और चंबल नदी की दोस्तों, इसको 10 से 12 बार रिपीट कर लेना, जिससे आपको ये कभी नहीं भूल सकोगे, इसको फिर नहीं भूल सकोगे। तो 10 से 12 बार इसको कंटस्ट याद कर लेना, 10 से 12 बार तो रिपीट कर ही लेना और फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे है या नहीं काम की ट्रिक। तो चंबल की सहायक नदियों की छोटी सी ट्रिक है दोस्तों कि चंबल का मेप कबाब है। तो चंबल से हो गई चंबल नदी, कहाँ से हो गया, जो काली सिंधी है वो नदी, तो काली सिंधी की जितनी भी नदियाँ हैं वो सब चंबल की सहायक नदियाँ हैं। मेज से हो जाएगा दोस्तों मेज, तो मेज की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सब चंबल की सहायक नदियाँ हैं। पैसे हो गए दोस्तों पार्वती नदी, कह को छोड़ देना, बासे हो जाएगा बामणी या ब्राह्मणी नदी, और वैसे जो लास्ट की है वो हो जाएगी बनास नदी। तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, चंबल का मेप कबाब है। तो च से चंबल, का से काली सिंधी, मे से मेज, पा से पार्वती और बा से बामणी या ब्राह्मणी और ब से बनास नदी। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो अवनालिका प्रदन होगा वो किससे होता है, वो चंबल नदी से होता है। सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन किससे होता है, इसी से होता है, चंबल नदी से। और जो सावन भादो परियोजना है कोटा के अंदर, वो भी किस नदी पर है, वो भी चंबल नदी पर है। तो दोस्तों, ये दोनों ट्रिक याद रखना। तो दोस्तों, पहले वाले जो वीडियो है
अफवाह क्षेत्र के जो अंतर प्रवाह वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या जो जो खंभात की खाड़ी में या कच्छ के रण में जो गिरती है उनकी, तो हमने अलग से ट्रिक बनाई है, तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। और अब हम लाएंगे जो अभी गया वीडियो है लूनी नदी का, उसकी भी हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे, और जो आगे आएगी उनकी भी हम लिंक अगले वाले वीडियो में डाल देंगे, जिससे आपको जो चंबल बनास हुई, सोम नदी हुई, माही नदी हुई, इन सभी की सहायक नदियों की हम आपको ट्रिक उपलब्ध करवाएंगे। तो पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है दोस्तों। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।